एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस क्लास में वर्ग 12 एनसीईआरटी गणित प्रश्न संख्या 4 पर बात करते हैं। देखिए, प्रश्न है कि y बराबर e के पावर 2x इंटू ए प्लस बी एक्स, वाई बराबर ई के पावर 2x इंटू ए प्लस बी एक्स। समीकरण नंबर 1। e और b इन दोनों अचर राशियों को विलुप्त करते हुए इसे अवकल समीकरण के रूप में व्यक्त करना है। आगे देखिए, इसको अब आगे x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। देखिए, x के सापेक्ष अवकलन करने पर ये तो y हो जाएगा dy/dx इक्वल टू, ये इस दिए गए फलन में e के पावर 2x इंटू ए प्लस बी एक्स ने दो राशियां गुणनफल के रूप में है, अतः इनका अवकलन गुणनफल नियम से हल करेंगे। देखिए, गुणनफल नियम होता है कि पहला को ज्यों का त्यों, यानी e के पावर 2x ज्यों का त्यों इस दूसरे पद का अवकलन। तो दूसरा पद है a प्लस बी एक्स का अवकलन x के सापेक्ष, तो पहला को ज्यों का त्यों दूसरे का अवकलन प्लस, फिर एक बार दूसरे को ज्यों का त्यों, दूसरा पद है a प्लस बी एक्स पहला का अवकलन यानी e के पावर 2x का अवकलन x के सापेक्ष, यही गुणनफल का नियम होता है। एक बार पहला ज्यों का त्यों है इस दूसरे का अवकलन, फिर प्लस एक बार दूसरा पद ज्यों का त्यों है पहला पद का अवकलन x के सापेक्ष। चलिए आगे देखिए, dy/dx बराबर e के पावर 2x ज्यों का त्यों है, अचर राशि a है प्लस b इंटू एक्स, जोड़ में हर पद का अलग अलग अवकलन होता है, ये इस a का अवकलन x के सापेक्ष प्लस b इंटू एक्स है, गुणनफल के रूप में है दोनों राशियां, तो यहां b अचल राशि है, तो अचल राशि गुणनफल के रूप में रह जाता है, तो b गुणा में ही रह जाएगा, x चर राशि है अवकलन x के सापेक्ष प्लस a प्लस बी एक्स ज्यों का त्यों e के पावर 2x, तो e के पावर x का जो अवकलन होता है वो e के पावर x ही रह जाता है, इस तरह e के पावर 2x का अवकलन e के पावर 2x ही हो जाएगा, साथ ही साथ x चर राशि है जिसका गुणांक 2 है, अवकलन में चर राशि के गुणांक से गुणा हो जाता है, इस तरह से e के पावर 2x का अवकलन हो गया e के पावर 2x, उसके बाद यहां 2 से गुणा कर लेंगे क्योंकि x चर राशि है गुणांक 2 है। अब देखिए आगे, dy/dx ज्यों का त्यों e के पावर 2x भी ज्यों का त्यों, यहां a अचर राशि है, अचर राशि का अवकलन 0 होता है, ये 0 हो गया प्लस b इंटू
dx बाई डी एक्स एक हो जाता है, x का अवकलन x के सापेक्ष वन, x का अवकलन है x के सापेक्ष वन हो गया, प्लस a जोड़ bx एक्स ज्यों कहते हो टू इंटू ई के पावर दो एक्स ज्यों कहते हो टू इंटू टू गुणनफल के रूप में है तो टू इंटू ई के पावर टू एक्स ज्यों कहते हो। अब यहां बचा हुआ पद है जीरो प्लस बी गुणे वन, तो b में वन से गुणा हो जाएगा b, अब b के साथ जीरो जोड़ देंगे तो b हो जाएगा, इस पूरे b से e के पावर 2x में गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा dy by dx बराबर b into e के पावर 2x ने b गुणे वन b हुआ, अब b में जीरो जोड़ेंगे b ही आ जाएगा, b से e के पावर 2x में गुणा हो जाएगा तो b into e के पावर 2x। कभी भी अचर राशि और चर राशि हो तो अचर चर से पहले हमेशा रखा जाता है। यहां देखिए a प्लस बी इंटू एक्स इंटू टू ई के पावर टू एक्स समीकरण एक में, तो समीकरण एक में है e के पावर दो एक्स ए प्लस बी एक्स, तो ए प्लस बी एक्स इंटू ई के पावर दो एक्स कितना भाग इसमें मिल रहा है समीकरण एक में, तो a प्लस बी एक्स इंटू ई के पावर 2x के स्थान पर हम लोग y अप्लाई करेंगे, तो यहां पर हो जाएगा प्लस ये दो ज्यों कहते हो और समीकरण एक से इतना का मान a प्लस बी एक्स इंटू ई के पावर 2x जो समीकरण एक में है y मान है, तो ये टू ज्यों कहते हो उसके स्थान पर हो गया y। अब देखिए यहां पर एक समीकरण प्राप्त हुआ प्रथम अवकलज के पश्चात जिसमें अचर राशि a जो है समाप्त हो गया, मतलब अचर राशि a का टेंशन खत्म। अब बचा b, अब इनको विलुप्त करना है अचर राशि b को, इसको समीकरण दो मान लेंगे, समीकरण नंबर दो। अब आगे क्या होगा, इस b को अब प्रतिस्थापित करना है, तो इस समीकरण का एक बार फिर x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, यह पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर देखिए ये dy by dx है प्रथम अवकलन, तो इसका द्वितीय अवकलन होगा d2y by dx square बराबर, यहां देखिए b और e के पावर 2x दोनों गुणनफल के रूप में है, b अचर राशि है, अचर राशि गुणांक हो जाएगा e के पावर 2x का अवकलन, तो b into e के पावर 2x का अवकलन x के सापेक्ष, फिर प्लस 2y, तो 2 गुणांक हो जाएगा y का अवकलन यानी dy by dx। चलिए अवकलन करते हैं d2y by dx square बराबर b ज्यों कहते हो e के पावर 2x, तो e के पावर x का अवकलन e के पावर x ही हो जाता है, इस तरह से e के पावर 2x का अवकलन हो गया e के पावर 2x। साथ ही साथ जब अवकलन किया जाता है तो जो अचर राशि है उनके चर राशि x जो है x चर राशि के गुणांक पर भी ध्यान देना चाहिए, तो e के पावर 2x का अवकलन e के पावर 2x हुआ, x चर राशि गुणांक 2 है, अवकलन में हमेशा गुणांक से गुणा कर देना चाहिए, तो गुणे 2 प्लस 2 इंटू dy by dx। आप देखिए ये पूरा मल्टीप्लाई हो जाएगा
टू बी ई के पावर टू एक्स, अर्थात डी टू वाई वाई डी एक्स स्क्वायर बराबर टू बी इंटू ई के पावर टू एक्स प्लस टू इंटू डी वाई वाई डी एक्स, टू बी इंटू ई के पावर टू एक्स प्लस टू इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अभी अचल राशि भी बचा हुआ है, थोड़ा पीछे की तरफ ध्यान दीजिए, इसमें बी इंटू ई के पावर टू एक्स है, समीकरण नंबर दो में बी इंटू ई के पावर टू एक्स मान है। यदि यहां से इसको अलग करके यहां प्रतिस्थापित कर दें तो काम बी का भी तमाम हो जाएगा। देखिए तो समीकरण दो से b इंटू ई के पावर दो एक्स को जब अलग करेंगे तो ये 2y आ जाएगा इधर dy बाई डी एक्स के साथ, तो b इंटू ई के पावर टू एक्स का मान हो जाएगा dy बाई डी एक्स माइनस टू वाई। इसको हम लोग यहीं पर अप्लाई करेंगे, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर टू जो का त्यो b इंटू ई के पावर टू एक्स का मान समीकरण दो से, तो समीकरण दो से यहां से पूरा ये अलग कर तो ये 2y आ जाएगा dy बाई डी एक्स के साथ, तो dy बाई डी एक्स माइनस टू वाई जो b इंटू ई के पावर टू एक्स का मान है, तो इसके जगह पर हो जाएगा 2 गुणक के रूप में है तो b इंटू ई के पावर टू एक्स वैल्यू हो जाएगी dy बाई डी एक्स, फिर इधर हो जाएगा ये माइनस टू वाई। चलो ये भी b इंटू ई के पावर टू एक्स का मान रखा गया समीकरण नंबर दो से, प्लस टू इंटू डीवाई बाई डी एक्स। अब इसमें कहीं भी ना a है और ना b है, अब इसको पूरी तरह से सॉल्व करके एक जगह इकट्ठा कर देंगे, प्राप्त हल अवकल समीकरण है जिसमें a और b राशियां जो है विलुप्त मिलेगी। ये दो से अंदर गुणा होगा तो dy बाई डी एक्स, टू डीवाई बाई डी एक्स, यहां भी है टू डीवाई बाई डी एक्स, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, सबको एक तरफ, एक तरफ समीकरण में कभी भी सारे पद को एक तरफ ला देना चाहिए, एक तरफ शून्य कर देना चाहिए। तो देखिए ये टू डीवाई बाई डी एक्स और टू डीवाई बाई डी एक्स, चार डीवाई बाई डी एक्स हो जाएगा, दोनों प्लस में है, टू डीवाई बाई डी एक्स प्लस अब प्लस ये, तो दो दो चार डीवाई बाई डी एक्स बराबर के बाएं तरफ लाएंगे तो हो जाएगा माइनस चार डीवाई बाई डी एक्स। आगे देखिए ये जाएगा इसके साथ तो माइनस चार वाई जो इधर आ जाएगा प्लस चार वाई, इधर का सारा पद इधर ला दिया गया, बराबर में बचा जीरो। यही जो है दिए गए समीकरण का जिसमें a और b अचल राशियां थी अवकल समीकरण का ये सही मान है। चलिए इसी प्रश्न के साथ आज की क्लास को समाप्त करते हैं, तब तक फिर मिलते हैं अगली क्लास में। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो पर एक लाइक तो बनता है। फिर मिलेंगे अगली बार, तब तक के लिए जय हिंद।